है दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जाने माने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बारे में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे अर्णब गोस्वामी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको अर्णब गोस्वामी की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि टीवी पर आप न्यूज चैनल तो देखते ही होंगे और अर्णब गोस्वामी को भी आपने न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर जरूर देखा होगा। और आपको बता कि अर्णब रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के पद पर पदस्थ हैं, साथ ही वे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के भी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। अर्णब गोस्वामी अपने बेबाक इंटरव्यू और कमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। पत्रकारिता से जुड़े होने के बावजूद भी उनका नाम भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है और नेता से लेकर अभिनेता तक इनके शो में जाकर अपना इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। आज हम आपको इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो हम आपको बता दें कि सन 1995 में पत्रकारिता को अपने करियर के रूप में चुनने वाले अर्णब गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी में हुआ था और वे अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी में ही रहते थे। अर्णब गोस्वामी के पिता भारतीय सेना में देश के लिए सेवा भी कर चुके हैं, जो बाद में भारत की राजनीतिक पार्टी बीजेपी में सम्मिलित हो गए थे। और उनकी माँ एक लेखिका है। और आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी के परिवार के बहुत सारे सदस्य अच्छे पदों पर आसीन भी रह चुके हैं, जैसे कि उनके दादाजी रजनीकांत गोस्वामी एक वकील के रूप में तथा उनके नाना गौरीशंकर भट्टाचार्य असम के विपक्ष नेता के सामने विधायक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और अर्णब ने भारत के अलग अलग स्कूलों से अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि अर्णब के पिता भारतीय सेना में एक जवान थे। हालांकि दिल्ली कैंट में स्थित सेंट मैरी स्कूल से उन्होंने अपनी माध्यमिक परीक्षाएं की और बाद में जबलपुर छावनी के केंद्रीय विद्यालय में जाकर अपनी वरिष्ठ माध्यमिक पढ़ाई पूरी की है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उन्होंने समाजशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री के लिए सेंट एथोनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में दाखिला लिया था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्णब फेलिक्स के विद्वान भी रह चुके हैं। कॉलेज में अर्णब को एक लड़की जिसका नाम समय वीरत्री गोस्वामी था उससे प्यार हुआ था, जिसके बाद अर्णब ने उससे शादी कर ली थी। और आपको बता दें कि अब उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। चलिए यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं अर्णब गोस्वामी के करियर पर। तो आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी को पत्रकारिता से बहुत ही ज्यादा लगाव था। उन्होंने कोलकाता के इंग्लिश समाचार पेपर जिसका नाम द टेलीग्राफ था उसके साथ काम करना प्रारंभ किया था, परंतु उन्होंने वहां एक साल भी पूरा नहीं किया और दिल्ली आ गए थे। उसके बाद उन्हें एनडीटीवी से जुड़ने का भी मौका मिला हुआ था, जिसमें उन्होंने न्यूज आवर की एंकरिंग से अपने करियर की शुरुआत फिर से की हुई थी। और वर्ष 2006 में उन्होंने एनडीटीवी का साथ छोड़ दिया और फिर टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में प्रधान संपादक के रूप में फिर से ज्वाइन किया हुआ था। शायद वे टाइम्स नाउ के साथ खुश नहीं थे, इसलिए पत्रकारिता की स्वतंत्रता और संपादकीय मतभेदों जैसे राजनीतिक मुद्दों के चलते 1 नवंबर 2016 को उन्होंने चैनल को छोड़ दिया था। और उसके बाद वे रिपब्लिक टीवी से जुड़े, जिसमें प्रबंध संपादक के तौर पर भी आज भी मौजूद हैं। वे अपने जीवन की कड़ी मेहनत और रात दिन अपने काम में दिलचस्पी दिखाते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अपनी पत्रकारिता के जरिए उन्होंने बहुत से विचार लोगों के सामने उजागर किए, हालांकि बहुत सारे विवादों से भी उन्हें अपने जीवन में गुजरना पड़ा है। और उनके इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिसमें वर्ष 2008 में अर्णब गोस्वामी ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड अपने नाम किया हुआ था। समाचार टेलीविजन एडिटर इन चीफ के लिए अर्णब गोस्वामी को साल 2012 में एनडीए अवार्ड से भी नवाजा गया है। अर्णब को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष 8 दिसंबर 2019 को चुना गया था। चलिए अब जान लेते हैं अर्णब गोस्वामी की आय के बारे में कि आखिर इनकी इनकम क्या है और कितना कमाते हैं अर्णब गोस्वामी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी की अनुमानित नेटवर्थ $60 मिलियन है और वार्षिक वेतन $1.5 मिलियन है। और आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी का मासिक वेतन ₹1 करोड़ से भी ज्यादा है और उनकी वार्षिक कमाई $2 मिलियन से भी ऊपर हो जाती है। और अर्णब गोस्वामी मीडिया में एक बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है, जो INR में 12 करोड़ की प्रतिवर्ष कमाई करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसा लगा अर्णब गोस्वामी के बारे में जानकर, और अर्णब गोस्वामी के बारे में आपके भी क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका वीडियो देखने के लिए